श्रीदेव सुमन बी एड इंट्रेंस एग्जाम सेशन 2023। ऑलरेडी काफ़ी डाउट्स आपके माइंड सेट में आ रहे हैं कि सर जैसे कि हमारा रिजल्ट आ चुका है, आगे की प्रोसेस क्या है, कैसे हमें एडमिशन लेना है। और काफ़ी स्टूडेंट के डाउट्स थे कि सर हमारा जो रिज़ल्ट है डिसक्वालीफाई बता रहा है, तो क्या सर हमें प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तमाम टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा, साथ ही साथ कैंपस के रिगार्डिंग भी डिस्कस करूँगा कि प्योर गवर्नमेंट सीटें कितनी हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ स्टूडेंट, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में भी कहा था कि मैंने ग्रुप फाइनल ग्रुप बना रखा है श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, जिसमें आपको हर अप टू डेट यहाँ पर प्रोवाइड होगा। और आपने देखा भी होगा लगातार अपडेट विद नब्बू की तरफ से आपको हर एक अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड होता है, चाहे वो रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट हो। जैसे कि आपने देखा होगा 200 का रिजल्ट था, फिर 400 का यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे रिजल्ट में संशोधन किया था, देख भी सकते हैं स्टूडेंट इसके रिगार्डिंग। फिर यूनिवर्सिटी ने अखबार में इसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी। तो यही चीज़ें कह रहा था स्टूडेंट, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको ग्रुप में मिलने वाली है। फिर आप सोचते हैं कि 50 रुपये क्या बड़ी अमाउंट है। देखो स्टूडेंट, 50 रुपये के पीछे मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बेनिफिट बता दिया था, चाहे वो काउंसलिंग के रिगार्डिंग हो, जितना भी अपडेट आपको काउंसलिंग के लिए एडमिशन तक के लिए आपको अपडेट मिलेगा, उसके बाद जो स्कॉलरशिप रहती है उसका भी अपडेट मिलेगा, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर जो होंगे आपके फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की बात करें हो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ये तमाम चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, साथ ही साथ आपके डाउट भी क्लियर करूँगा। और ध्यान देना स्टूडेंट, अभी काउंसलिंग के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आना बाकी है, कब तक आना है, कब तक आएगा, क्या आएगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो यही चीज़ें रहता है स्टूडेंट, अगर ग्रुप में ऐड होंगे तो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में प्रोवाइड होगी, आपको बार बार कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मिसगाइड नहीं होंगे, ये सबसे बड़ा फायदा रहता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग, यहाँ पे रिजल्ट के रिगार्डिंग ध्यान देना स्टूडेंट। ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस में कहा था कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को 400 में से 160 मार्क्स लाना है, और एससी एसटी कैंडिडेट का मार्क्स देख रहे होंगे 108 मार्क्स उन्हें आउट ऑफ 400 में से लाना था। काफ़ी स्टूडेंट के मार्क्स इनसे भी ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा था कि आपको पेपर फर्स्ट में चाहे जनरल ओबीसी की बात करें तो 80 मार्क्स पर पेपर यहाँ पे लाना था, सेम एस सी एस टी वालों को 54 मार्क्स यहाँ पर पेपर लाना था, देन वो यहाँ पे क्वालिफाइड माने जाएंगे। अब ध्यान देना स्टूडेंट, जो स्टूडेंट डिसक्वालीफाई हुए हैं उन स्टूडेंट को कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वालिफाइड होना कंपलसरी है स्टूडेंट, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। काफ़ी डाउट और आ रहे थे डिसक्वालीफाइड स्टूडेंट के कि सर डिसक्वालीफाइड बता रहे हैं तो क्या हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो बिल्कुल स्टूडेंट आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। डिसक्वालीफाई में आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी जो स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए उन स्टूडेंट के लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यही चीज़ें कह रहे थे स्टूडेंट, अगर आप ग्रुप में ऐड होंगे तो कहीं ना कहीं जो डाउट्स हैं मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग, कट ऑफ के रिगार्डिंग, जैसे कि मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होती है, जो कॉलेजेस रहते हैं वहाँ पे जब आप फिल करोगे तो वहाँ पे स्टूडेंट के बेस पे आपको कॉलेजेस एलोटेड होते हैं। तो यही चीज़ें कह रहे थे, अगर आप ऐड होंगे अधिक से अधिक संख्या में तो कहीं ना कहीं फ़ायदा आपका भी मिलेगा, यही चीज़ें मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ में डिस्कस भी किया था। तो ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है, पिछले बार जो काउंसलिंग प्रोसेस था मे भी शायद कोविड के चक्कर से हुआ था, लेकिन इस बार जो काउंसलिंग प्रोसेस है विगत वर्षों में जैसा होता था, दो काउंसलिंग आपकी यहाँ पर ऑनलाइन होगी, जो लास्ट काउंसलिंग आपकी होगी हो आपकी ऑफलाइन बेस पर होगी, जिसे आप स्पोर्ट काउंसलिंग कह सकते हैं। आई होप ये भी डाउट आपका क्लियर कर लिया है। और ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे जो प्योर गवर्नमेंट है आपके तीन कैंपस है, पहले आप हरिद्वार की बात करेंगे जो KLDBPG कॉलेज है, सेकंड आपका गोपेश्वर और थर्ड आपका कोटद्वार, ये प्योर आपके कैंपस है। आई होप ये भी डाउट आपका क्लियर हो चुका है। तो यही चीज़ें कह रहे थे स्टूडेंट, ग्रुप में जुड़ोगे तो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होगी। आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ग्रुप में जुड़ने का कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।